हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से अंकित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक कम्प्लीट कर चुके थे 3 लेक्चर में, और ये चौथा लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें थ्योरी वगैरह चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा चैप्टर। अब न्यूमेरिकल इस समय हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पिछले वीडियो को आप लोगों ने यदि नहीं देखा तो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जल्दी से समझ में आएंगी, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व की ओर दौड़ता है, उसके सिर तथा पैर के तलवों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 4×10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि वह उत्तर की ओर दौड़े तब प्रेरित विभवांतर क्या होगा, या विभवांतर कितना प्रेरित होगा। तो एक कोई दिया गया है खिलाड़ी जिसकी हाइट, हाइट मतलब उस चालक कह सकते हैं क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक खिलाड़ी की हाइट अर्थात तो उसकी लंबाई दी गई है 2 मीटर, और वो दौड़ रहा है v = कितने वेग से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दौड़ रहा है, वेग से दौड़ रहा है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो आगे क्या दिया गया है, हमको निकालना है प्रेरित विभवांतर, यानी उसके सिर और पैर के तली से के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा। bh = यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के, 4×10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, यदि वह पूर्व की बजाय उत्तर दिशा में दौड़े तब क्या होगा। तो एक बात, एक क्वेश्चन ये पूछा बहुत जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी है, कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर दौड़ेगा तो उसके सिरों के बीच हमेशा विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक। क्यों उत्पन्न होता है वो अभी हम बताएंगे। और अगर ये उत्तर से दक्षिण दिशा में दौड़ेगा तो विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, केवल और केवल पूर्व से पश्चिम दिशा में दौड़ने से ही उसके सिरों यानी सिर और पैर के तली के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। तो मान लेंगे ये एक लड़का है, ठीक, हम खड़े हो जाइए सब लोग, एक पूर्व दिशा में सीधे खड़े हो जाइए, जैसे हम खड़े, पूर्व दिशा है ये सामने, पीछे पश्चिम है, ये उत्तर है और इधर दक्षिण है, आसानी होगी समझने में। ये एक लड़का है यानी खिलाड़ी है, हाइट कितनी है 2 मीटर, ये दौड़ रहा है, दौड़ रहा किस ओर, पूर्व दिशा में। तो ये पूर्व दिशा में, ये लड़का है पूर्व दिशा में दौड़ रहा है, सामने की ओर दौड़ रहा है। और पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र दिया गया, कौन सा घटक दिया गया है, क्षैतिज घटक। अब एक चीज याद रखिए, अगर किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, छोड़ेंगे, तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर ठहरता है और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है, जो दक्षिण की ओर ठहरता है वो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। लेकिन यहां पर ये आप समझ सकते हैं, अगर पृथ्वी एक चुंबक है, जो कि है पृथ्वी एक चुंबक है, तभी उस चुंबक को वो आकर्षित कर रहा है। अगर उत्तर दिशा में चुंबक का एन है और दक्षिण दिशा में चुंबक का एस है, तो जरूर से जरूर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव उत्तर में होगा और उत्तरी ध्रुव दक्षिण में होगा, ये याद रखिए। इसे भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण भी कहा जाता है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को, जो कि दक्षिण दिशा में होता है, ठीक। अब ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सूर्य के द्वारा बनाई गई हैं दिशाएं। पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, पृथ्वी एक चुंबक है, उसका जो ध्रुव होता है वो एक से, उसका दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो उत्तर की ओर होता है, और जो उत्तरी ध्रुव होता है वो दक्षिण की ओर होता है। तभी वो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उत्तर वाला आकर्षित करता है और उत्तरी ध्रुव को दक्षिण वाला आकर्षित करता है,
ये होता है। तो चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या है, ये इधर हो गया दक्षिण दिशा में एन और उत्तर दिशा में एस, तो ये हो गया। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ये वर्टिकल भाग है यानी ऊर्ध्वाधर है। और क्षैतिज कौन हुआ, दक्षिण से ये उत्तर है, इधर उत्तर है, दक्षिण की ओर उत्तर होता है और उत्तर की ओर दक्षिण, तो ये होता है ऐसे। तो ये क्षैतिज घटक है पृथ्वी का, और खिलाड़ी ऐसे खड़ा हुआ है और किस ओर दौड़ रहा है, सामने की ओर। हम देख सकते हैं तीनों परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंब है, तीनों परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंब है। तो ये पृथ्वी, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लंबाई की दिशा है और ये क्या है, वेग की। तो तीनों लंब है, इस तभी विभवांतर उत्पन्न होगा जब तीनों लंब होंगे। इस केस में क्या है कि जो लड़का है वो सीधा तो खड़ा है, लेकिन दौड़ की धारा आपकी बार उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में जब दौड़ेगा तो क्षैतिज घटक जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी बी एच हॉरिजॉन्टल और वेग दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति या कोई कण, आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दौड़ता है तो उस पर बल नहीं लगता है। अगर बल नहीं लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, अगर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अगर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो विभवांतर भी शून्य होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो V का फार्मूला क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं। सॉल्यूशन V इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस का BVL, ये छोटा वाला भी वेग है, माइनस का चिन्ह हटा करके हम केवल और केवल परिमाण निकाल रहे हैं, ठीक। और क्योंकि क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षैतिज घटक दिया गया, तो BH वेग और इंटू लंबाई या ऊंचाई दोनों सेम रहते हैं। तो BH हमारे पास कितना है, 4×10⁻⁵, और वेग कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने बताया था मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा होता है, और इंटू L लंबाई कितनी है इसकी, 2। हल करेंगे तो 2×2, 2×9=18। अब 20×5 कितना होता है, 100। 100 का मतलब 10⁻². आगे कितना लिखा है, आगे लिखा 4×10⁵⁵, और बटे में कितना है, 9। अब एक जीरो इसको देंगे तो यहां 40 हो जाएगा। एक जीरो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 4 छोटा और 9 बड़ा है, तो एक जीरो इससे देंगे तो यहाँ एक जीरो बचा, 2 थे, एक इधर चला गया, एक बचा, एक प्लस का 5 माइनस के, तो बचेंगे कितने, माइनस के 4, और बटे में कितना है, 9। अब भाग करा देंगे, 40 को अंदर लिखेंगे, 9 को बाहर, 9×4=36, और फिर से कितना बचा, 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9×4=36, यानी हर बार 4×4 ही आएगा। तो कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर का परिमाण कितना है, विभवांतर का परिमाण 4×44×10⁻⁴, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी लगभग 0.4 मिली वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होने वाला है, और यही इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा, ठीक। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और यहां पर एंगल जो है, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र होता किधर है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर बाहर यानी पृथ्वी के बाहर बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक। और ये किधर दौड़ रहा है, पीछे की ओर, यानी एंगल कितना बनेगा, 180 अंश, ठीक। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा इसके किधर, उत्तर दिशा ये है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है, तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक। तो 0 अंश cos और 0 अंश आ गया, तो फिर बल कितना लगेगा, QVB sin थीटा का मान कितना हो गया, 0, यानी बल 0 लगा। अगर बल 0 लगा तो विद्युत क्षेत्र गुणा आवेश जो कि होता है बल के बराबर, वो भी शून्य होगा, और विद्युत क्षेत्र शून्य होने से विभवांतर भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ये चीज। तो एंगल 0 अंश आएगा, हमेशा बताए थे अगर एंगल तीनों के बीच 90 अंश नहीं होगा तो विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा,
यहाँ देख सकते हैं 90 अंश की बजाय 0 अंश आया, कुछ भी आए वो हो नहीं सकता, वो हमेशा मान 0 होगा। तो 90 अंश के लिए ही वो डेरिवेशन है BVL। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वायुयान जिसके दोनों पंखों के नोकों के बीच की दूरी 30 मीटर है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नीचे उतर रहा है, यदि उतरते समय वायुयान के पंख पूर्व से पश्चिम में हो, पूर्व से पश्चिम में हो, तो पंखों के नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। यदि पंख उत्तर दक्षिण में है तब कितना प्रेरित विभवांतर होगा। यहां पर फिर से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया गया है। ठीक, तो फिर से समझते हैं। एक वायुयान है जिसके पंख किधर है, पूर्व से पश्चिम, तो ये पूर्व है ये पश्चिम है, ये वायुयान के पंख, एक पूर्व दिशा में एक पश्चिम दिशा में, किधर उतर रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर उतर रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किधर होता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक, ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे होता है। क्षैतिज घटक किधर होता है, एन से एस, एन से एस, ये एन होता है ना पृथ्वी का, और ये क्या होता है पृथ्वी का, एस, एन से एस, ये होती है डायरेक्शन उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी उत्तर दिशा में इसकी डायरेक्शन होती है ये चीज। तो देख सकते हैं तीनों परस्पर लंब है, अगर तीनों परस्पर लंब है तभी क्या उत्पन्न होगा उसमें, विभवांतर। ठीक, और उस विभवांतर का मान कितना होगा देखते हैं। फर्स्ट नंबर है सॉल्यूशन, बी वी का मॉडुलस निकालना है, यानी कि वैल्यू केवल हमको चाहिए, परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। बी कौन सा, हॉरिजॉन्टल, ठीक, वी वेग और इनटू लंबाई, यानी पंखों के बीच की दूरी, जिस सिरे जिसके बीच विभवांतर उत्पन्न करना उसके बीच की दूरी, तो दोनों पंख के बीच विभवांतर उत्पन्न करना तो उनके बीच की दूरी हम लेंगे, यानी एल जो कि मानी गई है। वैल्यू रखेंगे तो बी एच हमारा कितना दिया गया, बी एच मतलब गॉस में दिया गया है। और एक चीज याद रखिए, एक टेस्ला जो होता है, ये हमने कई बार बताया, एक टेस्ला जो होता है उसमें 10^4 गॉस होते हैं, कितने होते हैं 10^4 गॉस होते हैं, और एक गॉस में, एक गॉस में कितने होंगे, 10^-4 टेस्ला होते हैं, एक गॉस में 10^-4 टेस्ला होते हैं। तो वही चीज है, हमको गॉस को टेस्ला में चेंज करने के लिए 10^-4 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 0.4 था ही, गॉस को हमने टेस्ला में चेंज किया तो 10^-4 से गुणा किया, अब ये किस में आ गया, टेस्ला में आ गया। ठीक, एसआई मात्रक हमको लेना है, और ये सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति का मात्रक था, तो बी एच हमारे पास 0.4 गुणे 10^-4 है। वी वेग कितना हमारे पास है, 300, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा होता है। ठीक, और एल लंबाई कितनी दी गई है हमारे पास, 30 है, कैंसिल करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3×6=18 होता है, और 3 धाम में 30 होता है। अब 3×3 = 3, 3×0 = 3, 0 अब 3×2 = 6, इंदुनी कितना होता है, 6 होता है। ठीक, एक जीरो से दशमलव कैंसिल होगा, अब 2×1=2, 2×2=4, अब हल कर लेते हैं। ठीक, तो यहां कितने जीरो, पहले देखिए इसको, अब दो, यहां दो बचा है, यहां 5 है, 2×5=10, और यहां कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो मतलब गुणे में 100, और यहां पर कितना है, 10^-4, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक, यहाँ कितने जीरो हो गए, 10^3, और यहाँ कितने हैं, 10^-4, इनको सॉल्व करेंगे तो 10^-1, 10^-1 यानी 1, जिसका मतलब क्या होता है, 0.1 होता है, 10^-1 का मतलब क्या होता है, 0.1, तो 0.1 वोल्ट का विभवांतर उतरते समय हवाई जहाज यानी कि वायुयान के उतरते समय जो उनके पंख के बीच विभवांतर प्रेरित होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण, वो 0.1 वोल्ट का होगा, और यही क्या होगा इसका आंसर, यही क्या होगा इसका आंसर। अब सेकंड केस में ये क्या कह रहा है, सेकंड केस में अब की बार जब उतर रहा है वायुयान तो पंख किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण,
पंख अगर उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, ये पंख हो गए उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण पंख हो गए, ठीक। उतर कहाँ रहा है, हवाई जहाज नीचे उतर रहा है, वायुयान नीचे उतर रहा है, तो ये नीचे की डायरेक्शन। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, इधर ही होती है, ये हो गया इससे। तो देख सकते हैं दोनों, यहाँ L ये लंबाई जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ रहा है, और ये चीज हमने बताया था, अगर लंबाई कोई भी चीज, अब यहां पर कह सकते हैं कि जो L है वो समांतर हुआ जा रहा है BH के, तो इस केस में एंगल कितना बनने वाला है, जीरो अंश। और अगर लंब नहीं है, जीरो अंश कोण आया, तो हमेशा विभवांतर उस केस में कितना होने वाला है, जीरो वोल्ट का उत्पन्न होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई की एक धातु की एक क्षण, 2 मीटर लंबाई की धातु की एक क्षण अपने एक सिरे के परितः 5 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 गॉस हो तो क्षण के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो विद्युत वाहक बल यानी कि ई से निकाला जाता है, विद्युत वाहक बल को ई से लिखा जाता है, चलिए हम ई से लिख दे रहे हैं, ठीक। तो एक कोई क्षण है, हमने मान लिया ये एक क्षण है, यहां चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, अच्छा क्षण घुमाई जाती है कैसे, क्षण घुमाई जाती है अपने एक सिरे के परितः घुमाई जाती है, ऐसे घुमाई जाती है, ऐसे घुमाई जाती है, कोई एक सिरा ले लेंगे उसी के परितः ऐसे घुमा रहे हैं, कोई ऊपर नीचे से कहीं से भी हम ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक। अगर हम ऊर्ध्वाधर घुमा रहे हैं, देखिए ऊर्ध्वाधर घूम रही ना, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर घूम रही, तो हमेशा क्षैतिज घटक दिया जाएगा, ये याद रखिए। अगर ऊर्ध्वाधर घूम रही है क्षण कोई भी, तो यहां पर क्षैतिज घटक दिया जाएगा पृथ्वी का, और अगर क्षैतिज दिशा में घूम रही है, ये ऐसे क्षैतिज दिशा में घूम रही है, तो ऊर्ध्वाधर घटक दिया जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर ऐसे घूम रही है, या कह सकते हैं ऐसे घूम रही है, कह सकते हैं ऐसे ऊर्ध्वाधर घूम रही है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा घटक दिया गया, क्षैतिज घटक, और अगर क्षैतिज घूम रही है क्षैतिज दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर घटक दिया जाएगा। तो यहां किस दिशा में घूम रही है, या ऊर्ध्वाधर दिशा में घूम रही है, तो पृथ्वी का कौन सा घटक दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज घटक, बी एच का मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक। सेकेंड वाले केस में बिल्कुल उल्टा है, वो आगे देखेंगे। तो एक फार्मूला यहां पर हमें बताया भी था, अगर कोई क्षण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी क्षण यदि क्या हो रही है, घूम रही हो, वृत्ताकार पथ पर घूम रही हो, ऐसे कोई हम एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं, ठीक। तो वृत्ताकार पथ की कल्पना कर ली गई है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिए गए हैं, कितनी लंबाई की क्षण है, L लंबाई की कोई क्षण है, ठीक है, L लंबाई की कोई क्षण है, और ये किसी वृत्ताकार पथ में घूम रही है। तो घूम रही है तो देख सकते हैं हम सब लोग कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है अंदर जा रही, चुंबकीय बल रेखाओं को ये काट रहा है, काटेगा तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो कितना उत्पन्न होगा, उसका फार्मूला क्या कराया गया था, डेरिवेशन 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और वो भी ये वैल्यू किसकी आई थी, माइनस की आई थी, और ये माइनस लेंज के नियम के कारण आया था, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तन का विरोध करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसीलिए। तो ई का मान जो होता है माइनस का 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। कभी भी अगर कोई वस्तु घुमाई जाती है, किसी भी चीज को घुमाते हैं, तो वहां पर रेखीय वेग नहीं होता है, वहां कोणीय वेग होता है, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, और ये हमें दिया गया कितना है, 5 रेडियन प्रति सेकंड। तो 5 रेडियन प्रति सेकंड दिया गया है, घूमती है ये, ठीक। तो अगर हम मॉडुलस वैल्यू लेकर के चलेंगे
केवल e की वैल्यू वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस के चिन्ह रखने से कोई मतलब नहीं। एक बटा दो b का मान कितना दिया गया है 0.2। अभी ये गॉस में है, गॉस को हम टेस्ला में चेंज करने के लिए 10^-4 से गुणा कराते हैं, किसको 0.2 को। ओमेगा कितना है हमारे पास 5, एल लंबाई कितनी है 2 है, इसका स्क्वायर करना है तो 1, 2 से 1, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पंची यहां पर देख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 × 5, 5 × 10 और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया गया। अगर हम देखेंगे तो 2×10^-4 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कितना 2×10^-4 वोल्ट का विद्युत वाहक बल यहां पर उत्पन्न होगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक अंक आगे दशमलव बढ़ाएंगे तो फिर इसको एक आगे बढ़ा रहे, दशमलव को आगे ले जाएंगे तो प्लस का एक, जितने अंक आगे ले जाएंगे उतने प्लस, पीछे लाएंगे तो माइनस। तो यहां दशमलव है, हम इसको आगे ले गए, एक कदम आगे ले गए तो 1+4 − 1+3- बचेगा, और -3 हमने कई बार बताया इसका मतलब होता है मिली, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 मिली वोल्ट, ये इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि 1 ग्रामोफोन की धातु ब्रास धातु की बनी डिस्क यानी चकती का व्यास 30 सेमी है और 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान 0.01 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो डिस्क के केंद्र एवं परिधि के बीच प्रेरित विभवांतर के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर एक डिस्क दी गई है जो कि ऐसे क्षैतिज तल, यानी कि ये क्षैतिज तल, ये ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक है, ये हमारे चारों ओर क्षैतिज तल होता है और ये ऊर्ध्वाधर तल होता है। अब की बार जो सीडी है या कह सकते हैं चालक, ऐसे वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ऐसे घूम रहा है तो क्षैतिज तल में घूम रहा है तो ऊर्ध्वाधर घटक दिया जाना चाहिए, और ऊर्ध्वाधर घटक ही यहाँ दिया गया है। उसमें जो है चालक कैसे घूम रहा था, चालक घूम रहा था ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल में ऐसे, ठीक, वो ऊर्ध्वाधर तल में घूम रहा था, ठीक है, ऐसे। तो वहां पर कौन सा दिया गया था, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, तो ऊर्ध्वाधर तल में घूमेगा तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। अगर क्षैतिज तल में कोई चीज घूम रही है तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र यानी वर्टिकल बी दिया जाएगा, बी का वर्टिकल वाला रूप यानी ऊर्ध्व घटक चुंबकीय क्षेत्र दिया जाएगा, ये चीज याद रखिए, ठीक। तो एक डिस्क है सीडी वाली कैसेट जिसका व्यास कितना है, जिसका व्यास 30 सेमी है, अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी होने वाली है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 30 का आधा यानी 15 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करिए ले रहे हैं, 10^-2 से गुणा। अब ये बताया गया है कि 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है, तो एक मिनट में ये कितनी बार घूम रही है, कितने चक्कर मार रही है, ये पूरे चक्कर कितने मार रही है यहाँ पर ऐसे, तो ये कितने चक्कर मार रही है एक मिनट में, 100/3 चक्कर प्रति मिनट, यानी ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, इतने चक्करों की संख्या यानी हर्ज चक्करों की संख्या ही क्या कहलाती है, एक सेकंड में चक्करों की संख्या, लेकिन एक मिनट में दिया गया तो उसको सेकंड में अभी चेंज किए ले रहे हैं, तो आवृत्ति मिनट में दी गई, इसको सेकंड में चेंज किए ले रहे हैं, तो 100/3 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए ये चक्कर बटा बटा मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, एक मिनट कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो कितने आ गए 5/3 × 9 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब होता है हर्ट्ज, इसी को कहा जाता है 5/9 हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, चक्कर प्रति सेकंड। वर्टिकल दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल, क्योंकि क्षैतिज दिशा में घूम रही तो ऊर्ध्वाधर बल चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, ये वही दिया गया। V का मान हमको चाहिए, तो E या V का जो मान होता है, तो
तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां चालक घूम रहा था और यहां पूरी की पूरी वो सीडी वाली कैसेट घूम रही है। तो यहां जो एल था वो इसके लिए क्या काम कर रहा है, आर। जो एल यहां काम कर रहा था वो क्या कर रहा था, आर। तो बस वही फार्मूला एल की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, आर, ठीक, क्योंकि यहां पूरी सीडी वाली कैसेट घूम रही है, ठीक, और यहां केवल एक चालक क्षण घूम रहा है, यहां पूरी की पूरी परिधि घूम रही है, ठीक है। ये पूरी वृत्ताकार है और ये वृत्ताकार पथ पर घूम रही है और ये खुद वृत्ताकार है। तो एक बटा दो बी ओमेगा आर स्क्वायर यहां पर रहने वाला है। अब क्योंकि हमको मॉडुलस वैल्यू चाहिए, केवल मान चाहिए, तो हम प्लस माइनस वाला चिन्ह हटा देते हैं, नहीं लेते हैं यूज में। एक बटा दो बी का मान कितना है, 0.01 ओमेगा, ओमेगा पहले हम निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा बराबर 2π, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14 गुणा एफ कितना है, आवृत्ति कितनी है, 5/9, 5 × 10, 10 × 3.14 और बटे में कितना है 9। हल करेंगे तो 10 × 3.14 और बटे में कितना है 9, आर का स्क्वायर, यानी कि इस ये त्रिज्या, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार गुणा कराना है, 2 बार। तो 15 × 10^-2 गुड़े 15 × 10^-2, तो 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 15। 0 हटाएंगे, नीचे कितने 0 बढ़ेंगे, 2 0, तो 25 × 25 = 200। अब काटेंगे तो ये कितना बचेगा, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 1.57 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा, 4। अब इसका गुणा करा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15, 10 का गुणा 1.57 से कराएंगे तो 15.7 और बटे में कितना बचा, 4, और 2 माइनस के टोटल कितने माइनस के हो गए, 4 माइनस के। अब इसको कैंसिल किए दे रहे हैं, 157 है, 4 से भाग कराएंगे तो 4 × 3 = 12, 3 बचा, 7 उतारेंगे, 4 × 9 = 36, कितना बचा, 1 बचा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 × 2 = 8, 2 बचा, 0 लगा है, 0 हम बढ़ा सकते हैं, 4 × 5 = 20, पूरा कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया, आंसर आया 39.25 गुड़े 10^-4। लेकिन यहाँ पर एक संख्या आगे, पहले दशमलव, यहाँ दशमलव दिखाया नहीं गया था, यहाँ एक संख्या आगे ही दशमलव है, तो एक संख्या आगे और दशमलव ले आएंगे, तो 3.925 गुड़े 10^-4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। लेकिन किसके बीच, किसके बीच, ये याद रखिए, अगर केंद्र और परिधि के बीच कहेगा तो ये उसी का फार्मूला है, ये तो ये फार्मूला इसी का है। लेकिन अगर कह दे कि दो परिधियों के बीच, यानी एक छोर से दूसरे छोर के बीच हमको विभवांतर निकालना है, तो वो 0 ही आएगा हमेशा, ठीक। एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभवांतर, दो परिधि यानी परिधियों के बीच विभवांतर 0, केंद्र और परिधि के बीच विभवांतर 0 नहीं होता, वो इसके सूत्र से ये आता है आंसर, ये था इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी यहीं पर समाप्त होता है, और क्वेश्चन नंबर 17 के समाप्त होते ही जो का नंबर हमारा आत्मनिरीक्षणात्मक प्रश्न थे, आंकिक प्रश्न थे, वो भी समाप्त होते हैं। अब खा नंबर जो होंगे आंकिक प्रश्न, उनको हम पढ़ने वाले हैं। अब उसकी शुरुआत जो है हम आगे के वीडियो में करेंगे, आगे के लेक्चर में करेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्प्रेरण गुणांक पर आधारित आंकिक प्रश्न होंगे वो, टोटल 20 क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। वीडियो समाप्त होता है यहीं पर, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।